मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया शांति ओम शांति। आज की तारीख है 19/3/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे दुख हरता सुख करता प्राण प्यारे शिव बाबा और सृष्टि के रचयिता प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जिनको शिव बाबा ने निमित्त बनाया। तो दुख हरता सुख करता अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता दोनों मिलकर के कहते हैं मीठे बच्चे बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं अर्थात कमजोरियां हैं कमियां हैं उन्हें निकाल दो पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। तो हमारी पढ़ाई का मुख्य पुस्तक कौन सा है हमारी बाबा की ज्ञान मुरली हाँ जिसको ही भक्ति मार्ग में श्रीमद् भगवत गीता नाम दे करके और हरेक ने अपने अपने विचार उसमें डाल करके और वो शास्त्र बना दिया। तो हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य शिव भगवान उवाच ब्रह्मा बाबा के मुख से सुन रहे हैं। तो आज की मुरली का प्रश्न है बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए। उत्तर है सहनशीलता का। अगर हमारे में सहनशीलता है तो कहते हैं सहनशीलता सर्व गुणों की जननी है माँ है। तो इसीलिए यदि हमारे में सहनशीलता है तो हम बाप दादा की सर्विस के लिए सदैव ही विजयी रत्न रहेंगे। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। प्रश्न है कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। पाप भी नहीं लेकिन महापाप तो वो कौन सा ऐसा विकर्म है जिससे बुद्धि का ताला बंद होता है। उत्तर है यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं अर्थात डिसर्विस करते हैं आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं कालापन नहीं छोड़ते यानी विकारों के वशीभूत कर्म करना नहीं छोड़ते तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत बजा है बहुत ही प्यारा कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए बातें बताई गई हैं। नंबर एक मीठे मीठे बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। नंबर दो है अंदर जो भी कालापन है देही देह अभिमान के कारण भूतों की जो प्रवेशता है उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है आज का दिव्य बुद्धि द्वारा
त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि के द्वारा हम बाप को, अपने आप को और तीनों ही कालों को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि से ही याद के द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट हो जाते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर बोलो। अर्थात कर्म करने से पहले कर्म के अंजाम को, फल को सोचें, परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन है आज का, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर अर्थात रूहानी नशे के द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।